सकते हैं। अच्छा, जो अभी चिल्ला रहे हैं ये सब अच्छे होके जाएंगे, अच्छे होके, और अच्छे होके कितने चले गए। पांडवकर सरकार की एक चमत्कारी चीज दिखाने वाले हैं। अभी मैं बालीकुंड के पास पहुंच चुका हूं, जो कि दिव्य दरबार लगता है, उसी के जस्ट इस तरफ बालीकुंड है। बालीकुंड में हम आप लोगों को एक चीज बताते हैं, जिसको दिव्य शक्तियों का और जो संकट से जूझ रहे हैं, जिनको भूत प्रेत की साया रहते हैं, वो यहाँ पर इस कुंड के अंदर बैठे हुए हैं। वो चिल्लाते ही रहते हैं, जितने भी शक्तियाँ हैं जब उनकी अर्जी लगती है तो उनका शक्तियों को सब वो मिल जाता है निजात। देख सकते हैं हम वहाँ पर भी जाते हैं, दिव्य शक्तियों का दिखाते हैं आप लोगों को, कैसे लोग बाग चिल्ला रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं कि मुझे निजात कर दीजिए, मुझे जो परेशानियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो बालीकुंड के पास हम लोग पहुँच चुके हैं भैया, बहुत ही लंबा सफ़र है, चारों तरफ को एक बार ज़रा दिखाएं, देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग बैठते हैं, व्यवस्थाएँ इनकी देखिए किस प्रकार है। लोग बाग चिल्ला रहे हैं, जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं उनको जो भूत प्रेत का साया रहता है, तो वही सब यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। आप लोगों को भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो भैया क्या है इनके बारे में क्या कहना चाहिए? इनके बारे में मैं बताऊंगा कि जो भी यहाँ पे वो लोग आते हैं, गुरुजी द्वारा बताया गया है, जिनको पेशी करनी है, जिनके भूत प्रेत बाधा रहती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके जो भी है अपनी जो नकारात्मक ऊर्जा है, तो एक तरीके से अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जो भी यहाँ पे आते हैं, हर एक कोई जितने भी हैं, तो अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं और यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तकरीबन सुबह भी हो गई, शाम भी हो गई, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है तो यहाँ पे आते हैं, बस यही चीज़ें हैं। और इधर जो कुंड बना है इसको बाली कुंड बोलते हैं, तो जो लोग बाग जैसे कि बैठे हैं, जिनको समस्या है वो चिल्ला रहे हैं, तो इनका क्या होगा? सब यहाँ से अच्छे होके जाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आते हैं सब लोग यहाँ से अच्छे होके जाते हैं। अच्छा, जो अभी चिल्ला रहे हैं ये सब अच्छे होके जाएंगे, अच्छे होके, और अच्छे होके कितने चले गए। अच्छा अच्छा, मतलब इनका थोड़ा समय लगता है, कब इनको देखना है इनको, लेकिन यहाँ जब आ गए हैं तो यहाँ से ठीक होकर सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक होकर के चले गए, और जो आते हैं वो भी सही। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस पांडवकर सरकार के बारे में? इस पांडवकर की सरकार में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय भारत में, यूपी में क्या, भारत में नंबर एक का दरबार है। अच्छा अच्छा, नंबर एक का दरबार है पांडवकर सरकार, मतलब जो लोग यहाँ पर आते हैं वो कभी निराश नहीं गया, कोई निराश होकर नहीं गया। अच्छा, अभी तक, अभी तक। अच्छा, जो दैवी शक्तियों का जो निराकरण हो जाता है, तो ये कब पेशी लगती है? पेशी तो यहाँ आने के बाद में, अच्छा, आने के बाद में, या अखाड़े में आते हैं मालूम पड़ जाता है। जैसे ये लोग चिल्ला रहे हैं तो इनको दैवी शक्तियों का प्रकोप हुआ है अभी। हाँ, और जो जय श्री राम नहीं बोलते वो भी बोलने लगते हैं यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे। अच्छा, कितना भी खतरनाक जिन वगैरह हो, सारा सिस्टम यहाँ पे सही हो जाता है, कोई निराश होके नहीं गया यहाँ से। चलिए, ये दोस्तों बालीकुंड है, जिसको बोलते हैं बालीकुंड। यहाँ पे जितने भी लोग बाग आते हैं, वो अपने सभी रिश्तेदार हों या भाई हो या कोई भी हो, उनके घर के हों, उनको अगर भूत प्रेत की साया रहती है, कोई भी किसी भी प्रकार का भूत प्रेत का साया रहता है, तो यहाँ पे सभी लोग अगर यहाँ पर इस दरबार में अगर आ गए हैं, तो इसको दरबार के बाद जो भी देवी शक्तियाँ होंगी या अन्य कोई शक्तियाँ होंगी, वो यहीं रह के जाएंगी, वो जो आएगा वो बिल्कुल ठीक होकर के जाएगा। जी, कहाँ से आई हैं? हम जयपुर से आए हैं भैया। जयपुर से? हाँ। तो किस प्रकार का यहाँ महसूस हो रहा है? परेशानी से एक साल और होगी बीस तल पे पली थी। अच्छा। हाँ, जे फिर माँ तो देख माली बहन आई थी पहली, माँ वाला कौन जी तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा, फिर मेरी बहन आई, फिर गुलूमा राजन पूछी भाई से ना काय हो, हमारी बहन एक साल से बिस्तर पे ही पल्ली छे, मारी बोली भी तोतली होगी भैया झंडा पास बीमार है। चलिए, यहाँ आने के बाद आराम मिलता है? हाँ मिलता है, बहुत आराम मिलता है, देख लो। चलिए, आप लोग देख सकते हैं हमारे चारों तरफ का हमने नजारा आप लोगों को दिखा दिया है, और चलते हैं आगे, और आप लोगों को अच्छे लगा तो यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर भी करें। धन्यवाद।